हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो थंबनेल देख के आप सब लोग समझ चुके हैं कि डिस्कशन के टॉपिक क्या होने वाला है। फिर भी मैं बता देता हूँ डिस्कशन के टॉपिक आज का। जैसे हम फाइनल कट प्रो में कुछ वॉइस ओवर करना चाहते हैं किसी वीडियो पे, जैसे कि ये देख रहे हैं मेरा टाइमलाइन पे ये वीडियो पड़ा हुआ है। ये मेरा दूसरा ब्लॉगिंग चैनल का वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उधर जाके मेरा ब्लॉगिंग चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो ऑडियो सेक्शन है ये पूरा खाली है, ठीक है। देखिए ये ऑडियो का टाइमलाइन जो है वो पूरा खाली है। तो मैं यहाँ पे कुछ वॉइस ओवर करना चाहता हूँ। तो वॉइस ओवर करने के लिए सिंपल सा ट्रिक ये है कि हम विंडोज़ पे जाएंगे और यहाँ से देखिए वॉइस रिकॉर्डर, इसको एनेबल कर सकते हैं। इसको एनेबल करने के बाद यहाँ पे हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि हमारा वॉइस रिकॉर्ड करना चाहिए। लेकिन देखिए, मैंने यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग चालू किया, देखिए यहाँ पर और जो टाइमलाइन में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये वाला देखिए, ये टाइमलाइन पूरा आ रहा है जो कि प्री रिकॉर्डेड है। तो अभी इसमें कुछ है नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है देखिए, मैं इसको क्लियर करता हूँ थोड़ा सा। देखिए इस पे वॉइस रिकॉर्ड वॉइस ओवर पे या तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन कमांड उसके बाद 8 डालेंगे तो वो वॉइस रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। तो मैं इसको शॉर्टकट से डालता हूँ, ऑप्शन कमांड 8, ओके। तो आ गया ये। लेकिन फिर से देखिए, मैं ऑडियो डाल रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ऑडियो पे कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है बताए, ये प्रॉब्लम यहाँ पे है ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये मैकबुक है तो ये थोड़ा सा सिक्योर है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लेके जाएंगे, इसको मिनिमाइज करते हैं पहले, फिर मैं जाता हूँ सेटिंग्स पे, ठीक है। सेटिंग्स पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सर्च करना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। इसको इसके अंदर गए, यहाँ पे देखिए माइक्रोफोन का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन डिजेबल होगा तभी वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। मैं इसको अभी एनेबल कर दिया, क्विट एंड रीओपन, ओके। फिर देखिए इसको फाइनल कट प्रो को ओपन किया, वही सेम प्रोजेक्ट है मेरा फुल वीडियो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये वाला हमने पहले रिकॉर्ड किया था, मैं अभी दूसरा रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे विंडोज रिकॉर्ड वॉइस ओवर, देखिए यहाँ पे अभी जैसे मैं ऑडियो डाल रहा हूँ तो इस पर फ्लक्चुएशन आ गया, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें 3-4 सेटअप हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अब मैं एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ वेबकैम के लिए, उसका ऑडियो के लिए हम डाल सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है, दूसरा है मैकबुक प्रो का जो इनबिल्ट ऑडियो डिवाइस रहता है, और तीसरा था यूएसबी का, ठीक है। तो फिलहाल मैं जो अपना यूएसबी माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको मैंने जो ऑडियो इनपुट ले लिया है, ठीक है, उसका मोनो चैनल ऑन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप रिकॉर्ड पे काउंटडाउन डाल सकते हैं, काउंटडाउन डालने के बाद ये होता है कि जैसे रिकॉर्ड में स्टार्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे 3, 2, 1 दिखाएगा, उस 1 जब आएगा उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे पता है कितना रिकॉर्ड करना है इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। देखिए इसको मैं डिसेबल कर दिया, जैसे ही इसको स्टॉप किया यहाँ पे टाइमलाइन आ गया, लेकिन इस पर नहीं आ रहा था। तो काउंटडाउन आपका मर्जी है, आप रख सकते हो नहीं रख सकते हो। दूसरा है म्यूट प्रोजेक्ट फाइल रिकॉर्डिंग, ये है कि जैसे कि टाइमलाइन पे आ गया यहाँ पे कुछ ऑडियो है उसके ऊपर आपको रिकॉर्ड करना है, या फिर इसको डिसेबल करके आपका वॉइस ओवर डालना है, ये है म्यूट के लिए, ठीक है। ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है नीचे, आप इसको नाम भी दे सकते हैं फिलहाल, मतलब इसकी जो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सिंपली अपना वीडियो पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। जो लोग मतलब कुछ प्रोफेशनल एडिटिंग कर रहे होंगे या फिर जैसे स्टूडियो वर्जन आ रहे हैं आजकल सारे गानों का, तो उसके लिए आप नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए तो इतना ही यूज़फुल था। और ये कौन सा मतलब कौन सा इवेंट के अंडर हो रहा है, कौन सा डायलॉग इसको असाइन किया हुआ है, ये सब दिखा रहा है यहाँ पे, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ वीडियो के एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।